हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ विद रशानी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब लोग भी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का कितना टाइम हो रहा है देखिए, कितना टाइम हो रहा है तो अभी 8 बजने वाला है, 5 मिनट ही कम है। और अभी पानी के लिए सीटी भी बजा दिया है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के पानी पी रहे हैं। ओके आज का वेदर देखिए बहुत ही अच्छा है। अभी थोड़ा देर पहले ना बारिश हो रही थी, अभी नहीं हो रही है, लेकिन आज धूप निकला है बहुत दिनों बाद। क्या हो गया? खत्म हो गया? बंद करो तो, बंद करो तो, बंद करो, बंद करो, अंदर जाओ, हाथ पैर धो लो, ठीक है? टंकी का पानी बंद करो ना। बंद है, बंद है, बंद किया है। आ गया पानी। देखिए आ गया ना बारिश, इसका ही इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा, कब आएगा। धूप निकला हुआ है लेकिन बारिश हो रही है। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। और ये क्या रही है, अभी तक मुंह नहीं पोछी है, क्या लगा हुआ है? गुड मॉर्निंग बेबी। अभी मॉर्निंग के बहुत सारे काम ख़त्म हो गए हैं, लेकिन घर क्लीन करना बाकी है। हम लोग का चाय पीना हो गया है और अभी मैं घर क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। आज है सैटरडे, सैटरडे के दिन मैं अच्छे से घर क्लीन करती हूँ, थोड़ा डस्टिंग भी करती हूँ और पोछा भी लगाती हूँ तो अच्छे से लगाती हूँ। और अभी जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके मार्केट भी जाना है, मार्केट से आऊँगी तभी मैं नहाऊँगी। अभी भी बहुत सारे फ्रेंड का कमेंट आता है, आप अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कीजिए। तो आजकल मॉर्निंग में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ ना कि हर चीज़ शेयर नहीं कर पाती हूँ, कोई ना कोई क्लिप मिस हो जाता है। पहले का मेरा वीडियो देखेंगे ना तो पहले मैं हर चीज़ शेयर करती थी, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा फ्री रहती थी। आजकल पता नहीं काम बढ़ गया है और कैसे काम बढ़ गया है पता ही नहीं चलता है। कभी कभी सोचती हूँ तो बोलती हूँ पहले जैसा ही सब चीज़ है, लेकिन अभी इतना मैं बिज़ी कैसे हो गई हूँ, क्योंकि परेशानी बड़ी हो गई ना। पहले उतना परेशान नहीं करती थी, अभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है और उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। सच में देखने के लिए ना एक बच्चा है, लेकिन एक बच्चे को संभालने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है। उसको टाइम टाइम पे खाना खिलाओ, और जब तक ये खुद से खाना खाना नहीं सीखेगी ना तब तक तो प्रॉब्लम रहेगा ही। अभी मैं इसको ना कितना भी कोशिश करती हूँ, बोलती हूँ, कभी कभी दे देती हूँ खाना खुद से खाने के लिए, खा लेती है, लेकिन कभी कभी नाटक करती हूँ तो खिलाना ही पड़ता है। अभी मैं पानी चेक कर रही हूँ कि पानी भरा है कि नहीं, वाटर टैंक लगा हुआ है ना तो वहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ। पानी का थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है और इस टाइम में ज़्यादा होता है बारिश के महीने में, तभी पानी थोड़ा कम आ रहा है। वैसे फ्लड आया हुआ था ना, जिसकी वजह से जो नीचे का वाटर टैंक बना हुआ है ना उसमें शायद गंदगी चली गई थी, तो साफ उप किया तो पानी थोड़ा सा कम आ रहा है दो दिन से। तो अभी मैं फटाफट से पोछा लगाऊंगी। और एक फ्रेंड बोल रहे थे कि आजकल आप पोछा लगाते हुए नहीं दिखाते हो, तो मैं सोची चलो आज दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रोज का काम रहता है और मुझे पोछा लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ। क्योंकि जब तक पोछा नहीं लगाओ तब तक घर साफ नहीं दिखता है, और घर साफ नहीं दिखता है तो मन भी नहीं लगता है। पहले मुझे अच्छा लगता था पोछा लगाना, पता नहीं आजकल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा काम है। दूध भी ले लूंगी। और एक फ्रेंड बोल रहे थे कि दूध वाले को बोलिए घर पे ही मतलब दे देने के लिए, यहाँ पे नहीं देता है पैकेट वाला दूध, मतलब घर पे नहीं देता है। अगर आप खुला दूध लेते हो ना तो वो घर पे आके देता है। हाँ ठीक है, तो अभी जा रही हूँ मार्केट
और मार्केट से आने के बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। ब्रेकफास्ट बनाकर मैं रख दी हूँ, मनीषा खा लेगी। हम लोग आएंगे मार्केट से, फिर उसके बाद खाएंगे। मार्केट गए थे, एक जोश फैन लाना था और उसे फिट कराने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग गया है। फिर उसके बाद मैं वीडियो एडिट करने लगी और एडिट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। रात को वीडियो एडिट नहीं कर पाते हैं ना, तो दोपहर का पूरा टाइम मेरा चला जाता है। निशानी तुम क्यों ऐसा कर रही है? तो मेरे किचन में एक नए मेहमान आ गए है, किचन का न्यू मेंबर को दिखाती हूँ, देखिए। तो ये रहा मेरे किचन का न्यू मेंबर, तो इसे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। और ये कौन से ब्रांड का है देखिए, ग्रीन एप्पल। तो फिलहाल तो हम लोग यही लगाए हैं, जो मिला है वही लगा लिए हैं। बजाज का भी था लेकिन अभी हम लोग यही लगाए हैं। हम लोग मार्केट में और भी अच्छे ब्रांड का ढूंढ रहे थे लेकिन मिला नहीं। मिलता लेकिन थोड़ा आगे जाना पड़ता है, स्टेशन जाना पड़ता है ना, वैसे ही रहेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग यही लगाए हैं क्योंकि लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत प्रॉब्लम होता था किचन में, झांस बहुत लगता था जब खाना बनाते थे ना, तब बहुत ज्यादा झांस लगता था। तो 5-6 दिन पहले हम लोग गए थे वैसे मार्केट, लेकिन उस दिन हम लोग लाए नहीं थे, मेजरमेंट करके नहीं गए थे। तो आज हम लोग गए हैं तो लेकर आए हैं। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे दिशानी को लेकर, और अभी हम लोग को डिनर बनाना नहीं है क्योंकि आज मैं मटन करी बनाई हुई थी। कल से सावन स्टार्ट हो जाएगा तो कल से 1 महीने तक हम लोग खाएंगे नहीं क्योंकि सावन में नहीं खाते हैं। तो आज लास्ट दिन था खाने का, तो हम लोग मटन लाए हैं। मैं ब्लॉग में शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड को देखना पसंद नहीं आता है इसलिए। तो बस थोड़ा सा चावल बनाऊंगी, नहीं तो रोटी बनाऊंगी, और मटन करी ऑलरेडी है तो वही हम लोग का डिनर हो। तो अभी जा रहे हैं निशानी को लेकर नीचे क्योंकि निशानी शाम से ही बोल रही है कि मुझे जाना है। तो अभी चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आप लोगों से एक दो राउंड लगा कर आते हैं, फिर क्या करेंगे, अभी तो सोने का टाइम ही हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को देखते हैं, कल मॉर्निंग तक कंटिन्यू करेंगे, आज तो ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाए दिन में। दिशु अपुन बोला तू मेरी लैला, ओ बीबी इसके बाद याद ही नहीं है। महंत जी की तरफ बैठी हुई है मनीषा, क्या हुआ? मनीषा को मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। हाँ आज ये सिल्वर मेडल जीती है। अरे मेरी दिशानी तुम क्या करेगी, तुम भी कोई मेडल उडल लाएगी या नहीं? कुछ नहीं करेगी दिशानी, मेरी कुछ भी नहीं करेगी। करेंगे कुछ, ये देश के लिए कोरोना बहुत है। इसका तो बात ही हमको समझ में नहीं आता कि क्या बोल। चल दिशानी चलो 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 चलो, अब निकल गई ना मनीषा मौसी, चल चलो अब भी चलो। जाना है या नहीं जाना है? आप भी चलो, हम भी चले, ठीक है ठीक, चल 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 चल, मैं आ रही हूँ। चलो, 2 दिन से लिफ्ट बंद था, आज चालू हो गया। कितना बोलती है दिशानी, आराम से चलो ना, शांति से। देखिए अभी भी सब लोगों का फ्रिज यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि पानी आया हुआ था, पता चल रहा है कि 2 दिन पहले पानी आया था, यहाँ तक आया था, यहाँ तक पानी आया था।
यहाँ तक। इसके अंदर नहीं जाएगा, जब ये पानी यहाँ से पानी पार हो गया तो फिर इसके अंदर भी तो जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, यहाँ तक नहीं आया था, इसके नीचे ही आया था, यहाँ तक आया था, क्योंकि 2 साल पहले आया था ना तो यहाँ तक आया था। आज मैं खाने में पकौड़े बनाऊंगी, तो देखिए कितने सारे सब्जी मैं काट के रखी हूँ। गोभी है, आलू है, लौकी है, परवल है और ये है बैगन, और यहाँ पे टमाटर, धनिया पत्ता और अदरक लहसुन है, और प्याज, यहाँ पे अदरक लहसुन को छील के रखी हूँ, इसका पेस्ट बनाना है, 2 हरी मिर्च, तो ये सब तैयारी करके रखी हूँ क्योंकि आज फिर से मैं चना दाल वाला तड़का बना रही हूँ। चना दाल भी बॉइल करके रख ली हूँ, चना दाल का तड़का और राइस, और ये सारे पकौड़े बनेंगे आज खाने में। और यहाँ पे है मेथी दाना, जीरा, तेज पत्ता, और इसमें सूखी लाल मिर्च डालूंगी और हींग, बस इतने चीजों की जरूरत पड़ेगी तड़का दाल बनाने के लिए। तो आज मैं डायरेक्ट खाना बना रही हूँ क्योंकि आज बहुत सारे काम है। दोपहर में मैं समोसा बनाने के लिए सोची हूँ, तो टाइम मिलेगा तभी तो समोसा बनाऊंगी, तो इसलिए अभी हैवी खाना खा लेंगे और दोपहर के टाइम में समोसा बनाऊंगी। और क्योंकि बहुत दिन से सोच रहे हैं समोसा बनाने के लिए, बहुत दिन से खाने का भी मन हो रहा है और मार्केट का समोसा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। आज सुबह सुबह मैं हेयर ऑयलिंग की हूँ और आज मैं कलौंजी हेयर ऑयल लगाई हूँ, ऑरिगेंस का। ऑरिगेंस के सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। अभी सबसे पहले मैं चाय पीऊंगी क्योंकि चाय बन के रेडी हो गया है, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाय बेबी, इधर से अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? पता है हम लोग ना लगभग 1 वीक पहले प्लान बनाए हुए थे कहीं घूमने जाने का, लेकिन फ्लड नहीं आ रहा था ना तो पक्का जाते, लेकिन मेरा बर्थडे आ रहा है। रवि मेरा बर्थडे आ रहा है, कहाँ चलेंगे? कहीं तो चलना पड़ेगा, घर में मनाएंगे बर्थडे। घर में हर साल तो घर में ही मनाते। मेरा बर्थडे ना ऐसा टाइम पे आता है ना, बारिश ही ज्यादा होती है, मतलब बारिश के महीने में मेरा बर्थडे आता है। आज मैं ऑयल लगा ली हूँ, कैसा दिख रही हूँ, एकदम अजीब अजीब सा चेहरा दिख रहा है, ऑयली 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 दिख रहा है। तो चलो चाय पी लेते हैं, सबसे पहले चाय पियेंगे क्योंकि चाय ठंडा ही हो गया। ऐसे खोला निशानी, तुम्हारा दूध यहाँ पे रखा हुआ है, ठंडा हो गया। आज नहीं है। हाँ भाई, चॉकलेट दूध, मिल्क वाला, चॉकलेट वाला, मिल्क वाला है। आज से सावन लग गई, सावन का महीना चालू हो गया, और हर लोगों का ना मतलब सावन अलग अलग डेट पे लगता है, तो हम लोगों का आज से चालू हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कब से चालू हो रहा है। तो कल है सावन का पहला सोमवार। I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about this, can't forget.
अभी तड़का दाल बनके रेडी हो गया। यह दाल खाने में बहुत ही यम्मी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से बनाकर ज़रूर खाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अभी मैं फटाफट से पकौड़े के लिए बैटर भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे बेसन ली हूँ, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट, और अभी इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी। सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लूँगी। मैं पकौड़े में इतना ही मसाला डालती हूँ, आप लोग क्या क्या डालते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चावल का आटा भी डालती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास चावल का आटा नहीं है। चावल का आटा डालने से ना बहुत ही क्रिस्पी बनता है पकौड़ा और अच्छा भी लगता है। तो अभी फटाफट से मैं पकौड़े फ्राई कर लूँगी। कैसे हो आप सब लोग? तभी 12 बज गया है और अभी तक मैं खाना नहीं खाई हूँ, तभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। अभी मैं गरम गरम पकौड़े बना रही थी अपने लिए, क्योंकि सब लोग खा लिए हैं, मैं ही एक लास्ट बची हुई हूँ। तभी मैं जा रही हूँ खाने, और खाने के बाद मुझे वीडियो एडिट करना है, और ये ब्लॉग कल से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये छोटा सा ब्लॉग है, कल इधर उधर में रह गए जिसकी वजह से ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।